Welcome students of class 4th in EVS class. Today we will read chapter 5. Animal shelters. Animals are found in every part of the world. संसार के हर एक हिस्से में जानवर पाए जाते हैं जहाँ हमें मिलते हैं. Some live in forests, other live in hot sandy deserts. कुछ तो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. और दूसरे रहते हैं हॉट गर्म रेतले रेगिस्तान में. सम लिव इन लेक्स रिवर एंड द सी. कुछ झीलों में रहते हैं, नदियों में, और कुछ समुद्रों में रहते हैं. दे आर इवन फाउंड इन द कोल्ड एरिया लाइक द आर्टिक वेयर द आइस नेवर मेल्ट्स. कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं जहाँ बर्फ कभी भी नहीं पिघलती. एनिमल्स लिव इन प्लेसेस वेयर द वेदर सूट्स देम एंड दे गेट द राइट फूड टू ईट. कुछ एनिमल्स लिव इन प्लेसेस. जानवर ऐसे प्लेसेस में, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ का मौसम उनको सूट करता है और जहाँ उनको सही भोजन प्राप्त होता है खाने के लिए. होम्स फॉर एनिमल्स. आवर होम्स प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर. हमारे घर हमें बुरे मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं. इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. कीट पतंगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे घर और जानवरों से. इन द सेम वे एनिमल्स टू नीड ए शेल्टर फॉर द सेम रिक्वायरमेंट्स. ऐसे ही जानवरों को भी ऐसे ही घर की ज़रूरत होती है, शरण की ज़रूरत होती है जहाँ उनकी ऐसी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, जैसे प्रोटेक्शन, फूड, रेस्ट एंड स्लीप. उनको क्या मिले उसमें, उन घरों में सुरक्षा, भोजन, आराम और सोने नींद. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग दैट प्रोवाइड देम शेल्टर. अलग अलग जानवर अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं दैट प्रोवाइड देम शेल्टर, जो कि उनको शरण प्रदान करते हैं. द सराउंडिंग इन विच एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. जो सराउंडिंग एनिमल्स को, जहाँ एनिमल्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट क्या होता है? ऐसी ऐसा स्थान जहाँ पशु पक्षियों को प्राकृतिक निवास मिलता है. सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर. कुछ जानवर अपने घर खुद बनाते हैं, अपनी शरण लेने की जगह खुद बनाते हैं. एग्जाम्पल्स आर हनी बीज एंड बर्ड्स. उनके उदाहरण क्या हैं? मधुमक्खियाँ और पक्षी. सम कैन नॉट मेक शेल्टर फॉर देमसेल्फ. कुछ अपने लिए खुद अपनी शरण नहीं बनाते हैं. एनिमल्स लाइक, जैसे कि कौन कौन से जानवर हैं वो? डियर, लॉयन एक्सेट्रा. ये हिरन और शेर ऐसे जानवरों के उदाहरण हैं जो अपने लिए अपनी जगह, अपना घर खुद नहीं बनाती हैं. दे लुक फॉर शेल्टर एट कन्वीनियंट प्लेसेस. वो सुविधाजनक जगहों पे शरण लेते हैं. फॉरेस्ट हैबिटेट. फॉरेस्ट हैव ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स. फॉरेस्ट जो होता है, जंगल जो होता है, वो सारे जंगल में सारी तरह के जानवर रहते हैं, जैसे कीट पतंगे, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियंस मतलब जलथर चर, बर्ड्स एंड मैमल्स. मैमल्स होते हैं स्तनधारी ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. और एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो जल और थल में, धरती पर और पानी में रहते हैं. दीज वाइल्ड लैंड एनिमल्स लिव इन ट्रीज, अंडर द ग्राउंड, ऑन द लैंड एंड इन और क्लोज टू द वाटर बॉडीज इन द फॉरेस्ट. ये जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में, पेड़ों पर, ग्राउंड के नीचे, धरती के नीचे, धरती के ऊपर और वाटर बॉडीज के पास. टेरेस्टेरियल एनिमल्स. एस टेरेस्टेरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल एनिमल्स. जो जानवर धरती के ऊपर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्टेरियल एनिमल्स जानवर कहते हैं. दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स. वो अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं.
elephants and deer live in the shelter provided by tall grasses and thick vegetation. Elephant, हाथी और हिरन कैसी जगहों पे रहते हैं? लंबी लंबी घास और घने वनस्पतियों में. ये बड़ी लंबी लंबी घास और हरी वनस्पति उनको शेल्टर शरण प्रदान करती है. रॉक केव्स. एनिमल्स लाइक बैट्स, बियर्स, लॉयंस एंड टाइगर लिव इन द रॉक केव्स और होलोस इन द माउंटेन. जो जानवर होते हैं जैसे बैट, चमगादड़, रिच, शेर, टाइगर, ये कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं. और जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ों में जो शेद बनाए होते हैं, उनमें रहते हैं. एनिमल्स लाइक क्रैब्स, स्कॉर्पियंस लिव अमंग हीप्स ऑफ वुड और स्टोन्स और इवन इन द क्रैक्स इन द स्टोन. जो जानवर होते हैं जैसे केकड़ा, बिच्छू, ये कहाँ रहते हैं? लकड़ी के ढेरों में और जहाँ फिर पत्थरों के ढेर में, जहाँ फिर अगर पत्थरों में दरार पड़ी हो तो उनमें रहते हैं. इन द ग्राउंड स्नेक्स लिव इन द नेचुरल होल्स इन द ग्राउंड. धरती पर जो अपने आप से होल बन जाते हैं, शेद बन जाते हैं, सांप उनमें रहते हैं. अंडर लॉग्स और इन द अबैंडन्ड आंट हिल्स. और जहाँ जो आंट हिल्स होती हैं, जहाँ उनमें ये सांप रहते हैं. आंट्स लाइक आंट्स लिव अंडरग्राउंड इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज. जो चींटियाँ होती हैं ये धरती के नीचे बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहती हैं, समूह में रहती हैं, जिनको कि कॉलोनीज कहा जाता है. डैम्प प्लेसेस. डैम्प होता है नम. नम प्लेसेस में सम एनिमल्स लाइक सेंटीपीडियम लिव इन डैम्प डार्क प्लेसेस. जो सेंटीपीडियम होता है वो कहाँ रहता है? नम प्लेसेस में. अंधेरी और नम मतलब जो नमी वाली जगहें होती हैं उनमें रहती हैं. दे कैन बी फाउंड अंडर लीव्स इन द गार्डन एंड अंडर द स्टोन्स. वो कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? बगीचे में पत्तियों के नीचे और अंडर द स्टोन्स पत्थरों के नीचे. ओपन प्लेसेस. जिराफ, जेब्रा लिव इन द ओपन फील्ड्स और अंडर द ट्रीज. जो जिराफ होते हैं, जेब्राज होते हैं, वो खुले मैदान में कहाँ मिलते हैं आपको? खुले मैदान में मिलते हैं जहाँ पेड़ों के नीचे. इन वाटर सम एनिमल्स लाइक फिशेस एंड व्हेल्स लिव इन वाटर. जो कुछ जानवर होते हैं जैसे मछलियाँ और व्हेल्स, वो कहाँ मिलती हैं? पानी में. सम लिव इन सॉल्टी सीज वाटर वाइल सम लिव इन रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स. कुछ जानवर तो कहाँ मिलते हैं आपको? नमकीन समुद्रों में मिलते हैं और कुछ कहाँ रहते हैं? नदियों में, झीलों में और तालाबों में. स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज रीड चैप्टर केयरफुली एंड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन हिंदी इन योर नोट इन ईवीएस नोटबुक. थैंक्स.